आप यहाँ आप कुछ ढूंढ रही हैं? मैं नहीं तो एक्चुअली डोरबेल बजी थी. कौन आया था? वो तो दूध वाला आया था. क्यों आप किसी और को ढूंढ रही हैं? मैं और किसको ढूंढूंगी तनवीर? तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो ना जोया, लेकिन अरे भाई कहाँ है सब? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये दीदे फाड़ के क्या देख रही हो? सास को पहली बार देखा है. जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ. जी. माशाल्लाह बहुत रौब है आपका यहाँ पे. अब आगे आगे देखती जाओ. यहाँ रख दो भाई. अच्छा सुनो, वो क्या था ना, हम शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग करते करते कब पैसे खत्म हो गए. अब भाई थोड़े से पैसों के लिए थोड़ा इतनी दूर जाएंगे हम तो. कोई बात नहीं अम्मी, मैं पैसे दे देती हूँ. कितने पैसे हुए हैं? 22,000. ₹22,000. अरे ऐसे क्या देख रही हो हैं? मैंने कौन सा अलादीन का खजाना मांग लिया तुमसे? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पैसे लेकर आती हूँ. बाजी क्या बात है, बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है आपने इमरान के ससुराल में. ये अंगूठा देखती हो? लड़की वालों की हवेली चाहे जितनी बड़ी हो मगर लड़के वालों की अंगूठे से हमेशा छोटी ही पड़ती है. अम्मी पैसे. मुझे क्या दे रही हो, दे दो उसको. ठीक है. सुनो वो क्या है ना, शॉपिंग कर करके मैं बहुत थक गई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है. मेरे लिए ना तुम कोफ्ते बना के ले आओ और मेरे लिए चाय भी. जी. और सुनो. जी अम्मी. कोफ्ते है ना, अच्छे से बनाना है, नौकरों से मत बनवाना, कहीं अपनी शक्ल की तरह जला कर ले आओ. और हमें भी तो पता चले हमारी भूख काली है तो क्या हुआ, खाना तो बनाना जानती है. ये बाई भी ना एक भी काम ठीक से नहीं करती. वो पार्सल तनवीर के कमरे में ही है, मुझे तनवीर के कमरे की तलाशी लेनी ही होगी. लेकिन वो बाहर निकले तब ना. ओहो ये तो हिल रहा है. नजमा इसे जरा पकड़ना बेटा. अम्मी मेरे हाथ में तो आटा लगा हुआ है. किसे? जोया सुनो बेटा इधर आओ, ये जरा स्टूल पकड़ो ना. जी. ये जरा स्टूल पकड़ना, मुझे ऊपर चढ़ना है. यहां से? हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो. आह क्या हुआ? अल्लाह मियां मेरी कमर कुछ कैद जैसा कुछ आ गया लगता है. ओहो आप ऐसा कीजिए, आप तनवीर को कह दीजिए ना. तनवीर फूफी, तनवीर आपकी हेल्प कर देती है. तनवीर से लेकिन
उसके हाथ में तो चोट लगी है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा कुछ करना भी तो नहीं है, सिर्फ सामान उतारना है ऊपर से। मुझे नहीं लगता तनवीर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना? अच्छा जी, पता नहीं अचानक से कैसे अभी हाथ तो ठीक था। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। ठीक, एक काम करो तनवीर, तुम ऊपर चढ़ जाओ, मैं पकड़ती हूँ। ध्यान से, वो वाले कप्स, वो जो कप्स है ना जी। वो पार्सल जरूर तनवीर के कमरे में ही है। कहाँ छुपा सकती है? वो जो ऊपर ग्लास पड़े हैं ना, वो भी दे दो ना जी। बाथरूम दो, पहले प्लेट दे दो फिर ग्लास दे देना। हेलो हेलो, हो गया? एक मिनट, ध्यान से ध्यान से, कांच के हैं। खराब हो गया? हाँ हो गया, आ जाओ। हाँ जब जोया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली तनवीर, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगा? थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो तन्वी। तन्वीर ने ये पार्सल क्यों छुपाया? कुछ तो बात जरूर है। मसाला लेके आई बाजी। हाँ, बन गया क्या? वो शैतान की खाला है ना, कोफ्ते खाने के लिए मरी जा रही है। नुसर, ऐसे नहीं बोलते। हाँ बाजी, अम्मी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोफ्ते को ना ज्यादा देर तक पकाइएगा मत, उसको ना बीच बीच में प्रिक करके चेक कर लीजिएगा। हाँ, प्रिक करना ना। हाँ। बाजी आपने नमक तो चेक किया ना? हाँ? ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आपसे ज्यादा डाला हो। एक चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह तुम्हें पसंद आ जाए। इंशाल्लाह ये खाके तो उनका पेट ही फट जाए। नुसरत, सुनो जान, खाना चाहे जितना भी लजीज हो, हाँ, बुराई निकलती रहना, समझी? हाँ, चेहरा ऐसे बना ना जैसे जहर का लिया हुआ। अल्लाह बाजी, मैंने तो कभी जहर नहीं चखी, अब जहर खाने के बाद कैसा शक्ल बनता है मुझे नहीं पता। सामान मत लड़ो, बस बुराई निकाल, समझी? पर क्या बुराई निकालूंगी? अल्लाह जान,
दौलत है तुम पे, औरत होकर तुम्हें नुक्स निकालना नहीं आता। जो मैं कहूँ उसमें हाँ मिलाती रहना, बेइज्जती होनी चाहिए लड़के की। अच्छा तो ये इरादा है हसीना, तुम हमारी निकट की बेइज्जती करना चाहोगी तो क्या हम होने देंगे? अरे लड़कियों शरबत लेकर जाओ पहले, हाँ। और तुम प्लेट लेकर जाओ। चलो चलो हम ये लेकर आते हैं, चलो चाहते हैं, जाओ 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 जाओ। अब पता चलेगा तुम्हें, नैले पे डाला पड़ ही जाता है। मिस फारूकी जी, आप क्या क्या करेंगे? पतंग उड़ा रही हूँ मिस्टर खान, आप भी उड़ाएंगे? आप डिनर के बाद क्या करेंगे? क्यों वो आज पैकेज में बात खत्म नहीं हो पाएगी, और फिर आपने भी पूछा तो मैंने सोचा कि तो बताइए क्या बात करनी है आपको? क्या व्हाइट हाउस चलते हैं बात करने के लिए? यही बताएंगे ना मिस्टर खान, और कहां जाएंगे? मिस फारूकी आप जानती हैं हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। जानती हूँ मिस्टर खान, क्योंकि ये बात दिन में आप मुझे कम से कम 2000 बार बोलते हैं। मैं जानती हूँ मिस्टर खान कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत बहुत ज्यादा अलग हैं, इतने अलग हैं कि आप इंसान हैं और मैं एलियन हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा मतलब आप बिल्कुल सही नहीं कह रही हैं मिस फारूकी, मतलब हम दोनों अलग हैं लेकिन ह्यूमन और एलियन जैसे अलग नहीं, प्लेट और चम्मच जैसे अलग, जो जो एक्चुअली एक दूसरे से बहुत अलग हैं लेकिन जब मिलते हैं तो दे कंप्लीट ईच अदर। मिस फारूकी वो एक्चुअली ये फारूकी ये जो कुछ भी है, आई मीन हमारे बीच जो जो है ये सब जो ये जो भी है, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एब्सोल्युटली नॉट। फारूकी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे जोया, तुमने वो प्लेट लगा दी क्या? जी फूफी। मैं तो सिर्फ ये बोलने आई थी कि डिनर ना मैं अपने कमरे में करूंगी। हाँ तो नहीं नहीं जी नहीं नहीं, मतलब एक साथ ही करते हैं। हाँ मम्मी हाँ तन्वीर, तुमने अपनी जली हुई फैक्ट्री दोबारा शुरू करने के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है उसे दोबारा शुरू नहीं करोगी? इस बार की आप जानती हैं तन्वीर की फैक्ट्री जल चुकी है। या आई नो, दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया कि दोबारा शुरू कब कर रही हो। I'm sure insurance वगैरह होगी, और वैसे भी उम्मीद छोड़ के घर पे थोड़ी ना बैठ सकती है, क्योंकि ना उम्मीदी तो सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं फूफी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वही तो फूफी,
और वैसे भी तनवीर तो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है और हिम्मत वाली भी है। मुझे तो लगता था इनफैक्ट तुमने इस बारे में पहले से सोच रखा होगा और काम भी शुरू कर दिया होगा। नहीं सोया को मेरे कमरे से कोई पार्सल तो मिला नहीं, यानी कि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है कि हमारी फैक्ट्री चल रही है। नहीं सोया, अभी तक तो नहीं। Are you sure? हाँ जोया, फैक्ट्री हमारी है, हमें नहीं पता होगा तो। अगर ऐसा है तनवीर, तुम्हारी फैक्ट्री से ये कुर्ती कैसे आ सकती है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी? ये देखो, इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और ये देखो, ये तुम्हारी फैक्ट्री है ना? स्वरूप, ये सब क्या है? मिस्टर खान, एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अगर फैक्ट्री जल चुकी है और उस पर काम नहीं होता तो वहां से ऑर्डर कैसे डिलीवर किया जा सकता है? वहां कुछ भी हो रहा, आपको इससे क्या मतलब? मिस्टर खान, आई एम जस्ट क्यूरियस, दैट्स इट। देखिए आप, जैमी प्लीज आप गुस्सा मत करें। तो यार हमारी फैक्ट्री थी और जल भी गई है, लेकिन हमारी जो बिजनेस पार्टनर थी ना, उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया है, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं चेंज किया और वेबसाइट भी वही रखी है। तो बस, लेकिन हाँ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिल गया जवाब आपको? नो, मेरे कुछ और भी सवाल है मिस्टर खान, प्लीज आइए। बताइए मिस्टर खान, अगर वो कंपनी तनवीर के पार्टनर सेम ब्रांड नेम से चला रहे हैं तो बैंक की स्टेटमेंट्स, परचेज ऑर्डर्स और बिल तनवीर के नाम पे क्यों आ रहे हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और आप सब भी देखिए, लेकिन उसने हमसे झूठ कहा है कि उसकी फैक्ट्री जल चुकी है। आप यही कहने की कोशिश कर रही हैं? ट्रस्ट में मिस्टर खान, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तनवीर हम सबसे ये क्यों छुपा रही है। आप तनवीर को झूठा बोल रही हैं? मिस्टर खान, आई फील तनवीर झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तनवीर का सच सबके सामने लाकर रहूंगी कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रही है।